Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Kira Bas. I hope you guys are good and doing good. So before going to topic, please like and subscribe to my channel. So last lecture we have studied about the concatenation in pandas. Then we have studied about merging in the pandas. Okay, how we can merge one data frame into another data frame. तो आपने ये सब देखा था कि हमने concatenation कैसे की थी, merging कैसे की थी, ठीक है. तो आज हम देखते हैं कि हम more operations on pandas कैसे करते हैं. कि today our lecture is more operations on pandas. तो आज हमारा lecture जो है वो है कि more operations on pandas पे हम देखते हैं कि हम आज क्या क्या देखेंगे इसके अंदर, ठीक है. तो ये आपका टॉपिक आ गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं गाइस कि हम एक उसी तरह एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, ठीक है. आपने एक डेटा फ्रेम बनाना है पीडी डेटा फ्रेम, ठीक है. पीडी डेटा फ्रेम बन गया. उसके बाद आपने क्या करना है, उसी तरह आप यहाँ पे की देनी है आपने और उसके अंदर कोई डेटा दे देना, ठीक है. तो उसके अंदर आप कोई भी डेटा दे देते हैं, 5 तक दे देते हैं आपकी मर्जी, ठीक है. तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि बी का डेटा भी दे दें, ठीक है. बी की का डेटा दे देते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10, 20, 30 and 40, ठीक है. तो यहाँ पे आपने ये डेटा दे दिया, उसके बाद की दे दिया आपने. तो इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे हमें एरर दे रहा है. तो ये हम देखते हैं कि एरर क्यों दे रहा है हमें. एक्स डॉट पी डी अरे मस्ट आर सेम लेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे हम 50 लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, अगर आप एक्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसने डेटा फ्रेम बना के दे दिया. तो ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन के आ गया. अब आप इसके अंदर जो भी फंक्शन लगाना चाहते हैं आप लगाएंगे, ठीक है. तो मर्जी आपकी, एक्स डॉट इंडेक्स आप करते हैं, ठीक है. तो उसमें भी आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप रन करें तो आपको देखें स्टार्ट 0 and stop 5, ठीक है. उसके बाद आप कॉलम देखना चाहते हैं, स्टार्ट कॉलम देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, कि ए बी हमारे पास कॉलम है. ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी कॉलम आ गया और ये स्टार्ट इंडेक्स है. ये आपने दो इसमें फंक्शन देख लिए. आप और भी फंक्शन आप देखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं. आपकी सम मालूम करना चाहते हैं, आपकी मर्जी. इसके अंदर सपोज़ कि आप ये जो आपके पास डेटा है बी का या ए का डेटा, इसके अंदर आप सपोज़ कि एक अगर सम मालूम करना चाहते हैं आप, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे गाइस कि आप यहाँ पे करते हैं सम, ठीक है, डॉट करते हैं आप सम और ये फंक्शन आप डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है. इफ़ यू वांट टू सम, ठीक है, इफ़ यू वांट टू सम देन आप देख सकते हैं कि हमें 15 उसने करके दे दिया इसका ए कॉलम का. आप इसी तरह बी कॉलम का भी देख सकते हैं कि आपको सम करके वो दे देगा. यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपको बी कॉलम का भी सम करके शिफ्ट इंटर 150, ओके. ये हमारे पास ये भी फंक्शन लगते हैं, ठीक है. मोर ऑपरेशन हम देख रहे हैं इस पर. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं गाइस कि इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखें एक फंक्शन दे दें, ठीक है. तो फंक्शन आप दे रहे हैं कि इंक्रीमेंट का फंक्शन आपने बना दिया. तो इंक्रीमेंट के फंक्शन में आपको क्या पास कर रहे हैं, ठीक है. एक्स मैंने पास किया, ठीक है, और ये तो आपको पता है उसकी बॉडी क्या, फंक्शन की बॉडी कैसे देते हैं. और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस और उसमें इंक्रीमेंट हम कर देते हैं 100 का, ठीक है. तो हम रिटर्न करते हैं जनाब के, रिटर्न कर दो हमें, रिटर्न एक्स कर दो, ठीक है. तो उसके बाद आप क्या करते हैं गाइस, उसके बाद आप यहाँ पे करते हैं कि आप जो भी जिस कॉलम में आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, सपोज कि ए कॉलम में हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, ये वाला कॉलम आपके पास जो है, ये वाला कॉलम 1, 2, 3, इसमें 100 ऐड करना चाहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट किया तो उसके बाद आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे अप्लाई का, ठीक है. डॉट आप करते हैं, क्या करते हैं आप डॉट करेंगे अप्लाई, ठीक है. अप्लाई कर दिया और उसके बाद जो फंक्शन हमारे पास था उसको उसके अंदर यहाँ पे हमने कॉल करवा दिया, ठीक है. ये आपने दे दिया तो ये आप जैसे देंगे तो आप यहाँ पे इसको अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी जगह ही आप इसको कर दें, दूसरी लाइन में ना जाए. तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कॉलम था 101, 102, 103, 104, तो यही जो कॉलम हमारे पास ये आ रहा है इसी के अंदर उसने इंक्रीमेंट करके हमारे पास दे दिया. आप यहाँ पर गाइस ये भी कर सकते हैं कि एक्स में यहाँ पर आए और यहाँ पे जो बी है आपके पास कॉलम है, आप यहाँ पे भी शिफ्ट इंटर करें
तो आपको बी के अंदर भी 110 120, आपका बी कॉलम के अंदर भी 110 120 और ये 100 ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट हम कैसे फंक्शन के इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं इस फंक्शन से, हम डॉट अप्लाई से, ठीक है, डॉट अप्लाई से हम ये कर सकते हैं ये काम, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि इफ़ यू वांट टू सॉर्ट एनी वैल्यू, ठीक है, कि अगर आप एक वैल्यू सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सपोज आप यही वाला ले लें आपके पास, ये तो सॉर्टेड है हमारे पास, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें आप, ये हमारे पास सॉर्टेड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आप यहाँ पे करते हैं गाइस 4 5 3 2 1 करते हैं, ठीक है, ये आपके पास सॉर्टेड थी नहीं नहीं है। आप देखें असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड क्या होते हैं कि आपको 1 2 3 इस तरह, पहला जो हमारे पास ये सॉर्ट है ये अनसॉर्टेड है, ठीक है, तो ये हम अनसॉर्टेड हम इसमें कर रहे हैं 30 20 50 एंड 10, ठीक है, और ये आपने अनसॉर्टेड एरे दे दी, ठीक है, उसमें डेटा दे दिया। तो उसके बाद आप क्या करते हैं गाइस, उसके बाद आपको डेटा फ्रेम मिल जाएगा इस तरह का, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास अनसॉर्टेड डेटा फ्रेम है 4 5 3 2 1 40 30 20 50 10, तो अब हम इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, तो सॉर्ट हमने करना, देन हम क्या करेंगे कि एक्स डॉट सॉर्ट का सिंपल सॉर्ट का फंक्शन आप लगाएंगे, ठीक है, और अंडरस्कोर लगाएंगे हम, ठीक है, और उसके बाद आपने वैल्यूज अंडरस्कोर वैल्यूज और जो आप उसके अंदर आप जिस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं, ए को सॉर्ट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ए को सॉर्ट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह लगाएंगे और यहाँ पे आप देखें आपके पास जो 1 2 3 सॉर्ट हो गया, ठीक है, इंडेक्स सॉर्ट नहीं होंगे आपके पास, ठीक है, ये आपने सॉर्ट कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं कि अगर बी कॉलम को भी सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखें बी कॉलम आपने सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे आप देखें शिफ्ट इंटर, तो ये आप देख सकते हैं गाइस कि आपके यहाँ पे 10 20 30 40 50 ये दोनों सॉर्ट हो गए, ये बी कॉलम भी आपके पास सॉर्ट हो गया, ठीक है, तो ये आप इस तरह सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ द वे कि आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ ए यूनिक फंक्शन, अगर आप एक यूनिक फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके सामने गाइस क्या कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आपने क्या किया था कि सम का फंक्शन किया था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेल बना देता हूँ यहाँ पर, हम यहाँ पे कॉलम का सम किया था, ठीक है, तो ये भी हमने हेडिंग में दे दिया, इसको हेडिंग दे देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था, ठीक है, तो इसके हम क्या करते हैं, डार्ट करते हैं, सेल अबाउ करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट का और हमने इंक्रीमेंट अप्लाई अप्लाई फंक्शन, ठीक है, हमने यूज़ किया था FUNCT अप्लाई फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस तरह के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे आपने ये भी देखा कि हमने सॉर्टिंग कैसे की, ठीक है, तो इसमें आप फिर इंसर्ट कर सकते हैं सेल अबाउ, तो यहाँ पे आप सॉर्टिंग भी देख सकते हैं, सॉर्टिंग द कॉलम्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपने सॉर्टिंग कैसे की थी, सॉर्टिंग भी आपने देख ली। तो अब हम देखते हैं गाइस कि अब हमने क्या करना है कि यूनिक फंक्शन आप यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस, यूनिक फंक्शन आप कैसे इसमें यूज़ करते हैं, तो यूनिक फंक्शन होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ, तो रन कर दें आप इसको, ठीक है। अब यूनिक फंक्शन क्या होता है, अब यूनिक फंक्शन वही है कि आपके पास कोई डेटा फ्रेम हमारे पास दिया हुआ, ये वाला डेटा फ्रेम है हमारे पास, ठीक है, यही वाला कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इसमें हम यूनिक फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो इसको आप क्या करते हैं गाइस कि आपने यूनिक फंक्शन इसमें अप्लाई करना है, आप इसको रन करें, ठीक है, और आप एक्स डॉट आप करते हैं कि ए करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि डॉट यूनिक, आप यूनिक फंक्शन यूज़ कर देते हैं, आपने यूनिक फंक्शन यूज़ किया, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या था, इनवैलिड सिंटेक्स, हमारे पास सिंटेक्स जो है वो इनवैलिड है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने डॉट लगाया था, ठीक है, ये हमने डॉट नहीं लगाना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑल आर यूनिक वैल्यूज़, ठीक है, यूनिक वैल्यूज़, ठीक है, हम अब चेक करते हैं यहाँ पे कि 4 हम करते हैं, ठीक है, फिर हम 4 करते हैं, तो अभी हमारे पास आप देखिएगा कि हमारे पास क्या आता है,
अब आप देखें हमारे पास जो फोर थी एक वैल्यू उसको यूनिक दिया, थ्री फोर थी वन वन यूनिक वैल्यू फोर उसने उठाई, ठीक है। तो उसके बाद उसने फोर टू वन ये दे दिया, ठीक है। इसी तरह आप यूनिक वैल्यू बी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी यही आएंगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक काम करें कि उसके अंदर जा के आप यहाँ पे जो है चेंज कर दें, ठीक है। चेंज कर दें 20 20, ओके 20 20, अगेन 20, और यहाँ पे आप आए हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 40 30 20 1, एक दफ़ा 20 उसने दिया, क्योंकि हमारे पास यूनिक वैल्यू ये 20 वो यूनिक देगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अन यूनिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अन यूनिक का यूज़ कर सकते हैं, यू अन यूनिक का भी आप इसी तरह यहाँ पे कॉपी करें, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करें एंड यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। तो यू एन लिखा था उसने, एन यूनिक आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। उसके बाद आप इसको रन करें तो आप देखें आपके पास जो अन यूनिक है आपके पास थ्री वैल्यू आपके पास अन यूनिक है, तीन आपके पास यूनिक वैल्यू आपने यहाँ पे दे दिया उसने, कि उसने गिन के दे दिया 1 2 1 2 3 यूनिक, तीन यूनिक वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। बी के अंदर भी आप देख सकते हैं हमारे पास तीन है, ठीक है। इसी तरह आप अब आ जाते हैं कि उसके बाद इफ़ यू वांट टू वैल्यू काउंट द वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू काउंट द वैल्यू के वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, तो आप वैल्यू को काउंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आ जाएं कि वैल्यू को आपने काउंट करना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि आप उसी तरह यहाँ पे देते हैं एक, ठीक है। मैं वैल्यू काउंट करना चाहता हूँ एक की, तो उसके बाद आप क्या करते हैं वैल्यू काउंट, तो यहाँ पे आप आ जाते हैं और आपने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया वैल्यू काउंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि हमें दे रहा है सीरीज ऑब्जेक्ट हैव नो एट्रीब्यूट वैल्यू काउंट, तो हमारे पास वैल्यू काउंट का उस क्यों एरर दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा था, जहाँ पे आपने क्या करना है कि वैल्यू काउंट्स, ठीक है, एस लगाना, ठीक है। इसमें तो आपको दे देगा कि हमारे पास आप देखें इसमें वैल्यू काउंट करके दे दी उसने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तीन उसकी 1 2 1, ठीक है। तो इसके बाद आप इसी तरह बी की भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, अगर वैल्यू काउंट अगर करना चाहते हैं बी कॉलम की, तो देन शिफ्ट इंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके 20 40 30, ठीक है। तो थ्री वैल्यूज 20 की हैं, 40 की एक वैल्यू एंड 30 की एक वैल्यू, इसी तरह फोर की थ्री वैल्यूज, 1 की 1 और 2 की 1, तो इसने काउंट करके दे दिया कि इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी तीन वैल्यू हैं फोर की, तो उसने यहाँ पे दे दिया कि तीन वैल्यू हैं। आप देखें फोर की ऊपर यहाँ पे 4 की 3 वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने देख लिया काउंट द वैल्यूज भी आपने देख लिया। उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं, अगर आप एक और फंक्शन भी चेक कर लें स्टार्ट इज नल, कोई नल वैल्यू है हमारे पास, तो इस नल का फंक्शन भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको आप करें, आप देखें यहाँ पे हमारे पास कोई है, आप यहाँ पे देखें सारी कोई हमारे पास नल वैल्यू नहीं, अगर नल वैल्यू होती हमारे पास तो यहाँ पे ट्रू आता, कोई ना कोई ट्रू दे देता, ठीक है। तो इसलिए उसने नल नहीं दिया, नल वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है इसलिए उसने फॉल्स दे दिया, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप और टॉपिक है आपके पास, हाउ वी कैन लोड द डेटा, ठीक है। डेटा पांडस के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है, हाउ वी कैन लोड द डेटा, ठीक है। इसमें हम लिख भी देते हैं कि लास्ट टॉपिक है पांडस, तो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप आ गए हैं कि हाउ वी कैन लोड द डेटा, लास्ट टॉपिक इन पांडस के हम टॉप हम कैसे लोड कर सकते हैं डेटा को। आपने यहाँ पे देखा भी था गाइस कि हमने क्या किया था कि हमने डेटा को लोड करना सीखा था कि हम जेसन फाइल को कैसे लोड करते हैं, सीएसवी फाइल को कैसे, एक्सेल फाइल को, एचटीएमएल फाइल को कैसे लोड करते हैं, तो हमने सब देखा था, ठीक है। तो आपने सीएसवी फाइल का भी देखा था, जैसे आपको मैंने समझाया था कि पीडी डॉट आप यहाँ पे क्या करते हैं कि सीएसवी डॉट आप यहाँ पे क्या करते थे रीड सीएसवी, और उसके बाद आप ये भी करते थे आप सी एस बी फाइल को रीड करते वक्त कौन सा दे देते और उसके अंदर फाइल यहाँ पे नाम दे देते, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सी एस बी को कैसे करते थे और वो भी आपने देख लिया। उसके बाद आप जेसन फाइल को कैसे करते थे, ठीक है, एक्सेल फाइल को कैसे करते हैं हम, ठीक है,
एक्सेल फाइल को हम कैसे लोड करते हैं, एचटीएमएल फाइल को कैसे लोड करते हैं, हाउ वी कैन लोड एचटीएमएल फाइल, सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल का तो आपने देखा था कि हम कैसे उसको लोड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे सीएसवी फाइल को लोड करना था हमने। तो सीएसवी फाइल के अगर हम सीएसवी में चले जाते हैं, ठीक है, सीएसवी में हम जाते हैं ऊपर, तो हमने देखा था कि हम सीएसवी फाइल कैसे लोड करते थे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप आ चुके हैं डेटा फ्रेम सीरीज़ में आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आप सीएसवी फाइल को रीड करते थे, इस तरह आप लोड करते थे डेटा, ठीक है। ये आपने लोड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं गाइस, इस तरह आप पी डी डॉट रीड सीएसवी और टेस्ट सेट डॉट सीएसवी आपके पास एक फाइल होगी। सपोज़ कि यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, मेरे पास सीएसवी फाइल एक पड़ी है ट्रेनिंग सेट की और टेस्ट डेटा सीएसवी फाइल। और आपके पास अगर किसी के पास फाइलें हैं, ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई फाइल पड़ी है, आपकी सीएसवी फाइल है आपके पास, ठीक है, तो आप यहाँ से आप उसको इस तरह करेंगे, ठीक है, और ओपन करना है आपने, यहाँ पे आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह मैंने ये एक फ़ाइल अपलोड की हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट सेट डॉट सीएसवी मैंने अपलोड की हुई थी। तो इसी तरह जब मैं CSV दूंगा, ठीक है, रीड CSV, और उसमें फ़ाइल का नाम मैं दूंगा, तो यहाँ पे वो रीड CSV कर देगा और उसको मैं रन करूंगा, तो यहाँ पे CSV में करता हूँ तो उसको लोड करके दे देगा हमारे पास। ये आ गया मेरे पास CSV फाइल लोड करके दे, ठीक है। उसके बाद JSON फाइल भी इसी तरह थी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि JSON फाइल को आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइनिंग था JSON फाइल का, मैंने एक आपको कोड बताया था, ठीक है, वो इधर ही होगा, आप देख रहे हैं। जेसन फाइल का सिर्फ आपने जेसन और फाइल आपने कोई इस तरह की डाउनलोड कर देनी है कहीं से, गिटहब से। ये आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे जेसन फाइल देखी, ठीक है, और ये आपने हमने जेसन फाइल की एक फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जेसन डॉट टेक्स्ट, एक फ़ाइल हमने जेसन फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से ले लिया, ठीक है। इसी तरह आप HTML अगर करना चाहते हैं, HTML की फ़ाइल करना चाहते हैं, HTML की मैंने आपको सिखाया था कि HTML की फ़ाइल आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। HTML का डेटा हमने देखा था, इसमें हमने JSON फाइल का भी देखा, इसके ऊपर एडिंग रो JSON फाइल, यहाँ पे आप देखें JSON फाइल का देखा था, ठीक है। और HTML का आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके HTML का भी हमने रीड किया था कि न्यू URL HTML, ठीक है, न्यू HTML PD डॉट रीड HTML, यहाँ पे आपने सिर्फ ये इजाफा करना है, रीड HTML, ठीक है। इसी तरह आपने XML करना है, एक्सेल फाइल के लिए XML यहाँ पे कर देना, रीड XML कर देना, ठीक है, फॉर XML। तो इसी तरह आप यहाँ पे HTML भी कर सकते हैं। आपके पास अगर प्री डिफाइंड वो नहीं है तो आप यहाँ पे HTML की फ़ाइल नहीं होती आपके पास, जैसे अपलोड किसी के पास नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं HTML, ठीक है, तो वो HTML 5 आप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप करें तो आपको यहाँ पे रन होती दिखाई नज़र आएगी, आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी HTML 5 आपकी। तो ये सारी आपके पास जो भी रिपॉजिटरीज होती हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप HTML का वही कोड लगा देंगे, ठीक है, सिंपल। आपने जैसे अगर आपको यहाँ इसका आ गया, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखें आपके पास अपलोड हो गई, ऑलरेडी आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं कि वाई की आपने रीड और HTML आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है, HTML आपने किया। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे अगर चले जाते हैं, ठीक है, किसी के पास अगर डेटा चाहते हैं, यहाँ पे आप चले जाते हैं जेसन फाइल गिटहब पे जाते हैं या कोई भी जाते हैं आप गिटहब जेसन फाइल सिंपल गिटहब जेसन फाइल पे जाते हैं या कुछ भी आप ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी जेसन फाइल आपके पास पैकेज पड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी जो फाइल है आपके पास, ये तो आपके पास HTML में आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं इसका डेटा, तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर इधर ये आपके पास उसी तरह जेसन की एक फ़ाइल आ गई HTML की। तो HTML का आप क्या होता है कि HTML की कोई फ़ाइल आपके, ये तो जेसन फाइल थी हमारे पास, तो यहाँ पे आप बैक भी जाते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे कोई फ़ाइल आप जैसे HTML की फ़ाइल आप यहाँ पे करते हैं या कोई भी आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई HTML की फ़ाइल आ जाएगी और उसमें से आप कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सपोज़ के मैं आपको कैसे दिखाऊँ, जैसे वो ऊपर मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ये भी HTML की फाइल ही है हमारे पास,
ये जिस तरह, ये इस तरह की एक आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, एक उसको यूआरएल को, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी यूआरएल हो आपके पास तो आप उसको रन कर देंगे। ये तो हमारे पास एरर आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये नो टेबल फाउंड है या कोई सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो आपने इसी तरह की कोई भी आपने यहाँ पे आप जैसे ये है मेरे पास विकिपीडिया की कोई इस तरह की फाइल है, ठीक है, ये हो गई। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको ज़रा ट्राई करते हैं। इसी तरह आपने ट्राई करनी है वो, तो इसमें टेबल है कि नहीं, इसमें आता है कि नहीं, ये आप देख रहे हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये देखें आप, इसमें हमने HTML की जो फाइल, कोई हमने HTML की फाइल आपको इस तरह कॉपी की, यहाँ से उसका आपने क्या कहते हैं लिंक को कॉपी किया, ठीक है, और इसमें आपने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे सारा उसने दे दिया, ठीक है, डेटा जो भी हमारे पास डेटा था वो लेके आ गया HTML का, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके दे के आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम HTML को भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इस तरह आप एक्सेल की जो फाइल होगी आपके पास, फॉर एक्सेल आपके पास, यहाँ पे आप सपोर्ट एक्सेल की फाइल को करते हैं, ठीक है। एक्सेल की फाइल के लिए आप क्या करते हैं, XML होता है हमारे पास, आई थिंक XML ये होता है हमारे पास, आई थिंक यही होता है, ठीक है। तो ये भी आप इसी तरह करके कोई एक्सेल की फाइल आप यहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है, इस जगह। तो इसी तरह आपने अगर CSV आपको अपलोड करना आ गई तो आप इससे सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये भी सीखा कि हाउ वी कैन लोड द डेटा। आखिरी टॉपिक हम बहुत ही हमारा अहम था कि हम कैसे इसमें ये फाइल्स को लोड कर सकते हैं, हमने कैसे लोड की हैं। HTML का भी आपने देखा, CSV का भी देखा, JSON का भी देखा, एंड लास्ट में आते हैं XML एक्सेल फाइल का भी देखा। फॉर एक्सेल फाइल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप फाइल का नाम दे रहे हैं एक्सेल की, तो आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा गाइस कि हमने लास्ट टॉपिक्स में हमने क्या क्या किया, ठीक है, सॉर्टिंग रे, कुछ फंक्शन हमने देखे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, और इसके बाद हम और लाइब्रेरी देखते हैं, इस मैट प्लॉट और जो भी आगे सी बोर्न लाइब्रेरीज आ रही हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही पांडा लाइब्रेरी में, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।